हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बोला था कि मेरा कोई डीकैथलॉन से मैंने ऑर्डर किया और वो मुझे पिकअप करने जाना पड़ेगा, तो मैं अभी वही पिकअप करने जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं। चलें, चलिए शुरू करते हैं। डीकैथलॉन में आने का मतलब ये नहीं है कि कुछ नई भी चाहिए, जबरदस्ती सामान खरीदना है। ये ब्लैक ले लूँ क्या? ले लो, अच्छी लग रही है ना। बकवास लग रही है, इनमें से कोई ले लो ना यार। ये मेरे ऐसा फंकी नहीं लग रहा कोई इसमें देखने को। घर जाके मैं तुम्हें तुम चप्पल लो, मैं पेंट कर दूंगी तुम्हारी चप्पल। हाँ वो कर कुछ भी मतलब रबर एक्चुअली इससे भी छोटा है, नहीं मिल रहा। हम ऐसे क्यों हाथ में चप्पल घूम रहे हैं? अच्छा लगे। क्या फालतू करते करते रहे? इतना खाली है ना आरसीटी, कभी देखा इतना खाली आरसीटी जिंदगी में? बचपन में देखा था। बाबा बचपन में था क्या ये तुम्हारे? बचपन में ऐसे मॉल खाली हुआ थे। 2012 में जब मैं पहली बार मुंबई आई थी ना, तब भी काफी मतलब अच्छा खासा स्पेस रहता था, ऐसा ना नहीं रहता। भैया ऐसा नहीं है, हम पहले भी सामान ले चुके हैं, तो स्टोर से जाके खरीदा था। ऐसा कोई सेफ्टी इशू नहीं है, बट फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए हम कर रहे हैं सैनिटाइज, क्योंकि गाड़ी में डालना है, गाड़ी में एसी चलता है। कोशिश करी उन्हीं से इंस्टॉल करना है।
let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now. जो ये पोर्शन आप देख रहे हो वीडियो वाला, ये बेंच है और ये अलग से आया था, ये इसमें जा ही नहीं रहा था, थोड़ा सा ठोक के थोड़ा उसे ठीक करके करना पड़ा. अगर ये नहीं करना पड़ता ना तो टाइम नहीं लगता. तो ऐसा दिख रहा है. सो बेंच तो हमारा तैयार हो गया, ऑलमोस्ट एक घंटा लग गया वो मेरी प्रैक्टिस प्रिपेयर की वजह से. बाकी तो अच्छा है, बस वही है टाइम कंज्यूमिंग है, ये भी सही है. तो इसको तो मैं अनबॉक्सिंग कर नहीं रही, मैं थक गई. हाँ, ये हो गया अपना फ्लैट, यहाँ रखा अपने फ्लैट और इधर हमने पाला ट्राइसेप, इधर माने कैसे ट्राइसेप. सर पे मत मार लेना बस रॉड. तो बढ़िया हो गया हमारा, कंज्यूम हो चुका है एकदम बढ़िया तैयार मेहनत के बाद. वैसे तो फोन आया था ऐसे अब्बल करने के लिए, हमने कहा खुद कर लेंगे देखते हैं. अगर आप बड़ा स्पॉट ड्राइव वगैरह लेते हो ना तो बुला लेना, वरना और बुरी हालत हो जाएगी. 2-3 घंटे तो आराम से लग जाएंगे. अभी कल बात करते हैं या फिर जब भी अगली वीडियो बनेगी, जब भी अगली वीडियो बनेगी तब बात करेंगे. गुड नाइट.